पाकिस्तान की सियासत तेज हो गई है। सियासत में अब बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी आसिफा उतरेंगी। पिता आसिफ अली जरदारी की छोड़ी सीट से नामांकन भरा है। बता दें कि 2007 में रावलपिंडी में चुनाव प्रचार के दौरान बेनजीर की हत्या कर दी गई। इसके बाद से 2008 से 2013 तक जरदारी देश के 11वें राष्ट्रपति रहे। आसिफा के भाई 35 वर्षीय बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पिता जरदारी सह अध्यक्ष हैं। पिछली शहबाज शरीफ सरकार में बिलावल विदेश मंत्री रह चुके हैं। आसिफा की बड़ी बहन बख्तावर शिक्षा जगत में सक्रिय है और आसिफा अब राजनीति में एंट्री लेने जा रही है। पाकिस्तान की दिवंगत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की सबसे छोटी बेटी 31 वर्षीय आसिफा भुट्टो ने संसदीय राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रख दिया है। वो अपने पिता और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा सिंध प्रांत में खाली की गई नेशनल असेंबली की सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में उतरी हैं। आसिफा ने सिंध प्रांत के शहीद बेनजीराबाद जिले के NA-207 निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव में नामांकन पत्र भरा। इस सीट के लिए 21 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। पिता जरदारी के देश के 14वें राष्ट्रपति बनने के बाद आसिफा का सक्रिय रूप से राजनीति में आना तय माना जा रहा है। आसिफा की मां बेनजीर भुट्टो मुस्लिम बहुल पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री बनी। वो 1988 से 1990 तक 11वीं और 1993 से 1996 तक 13वीं प्रधानमंत्री रही। बता दें कि आसिफा भुट्टो जरदारी ने जिस सीट से नामांकन दर्ज कराया है वो NA-207 सीट है, जो उनके पिता आसिफ अली जरदारी ने जीती थी। हालांकि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इस सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया। आसिफा राजनीति रंग में पहले से ही रंगी हुई हैं। दरअसल उनकी माता, पिता और फिर भाई तीनों ही राजनीतिक पिच पर बल्ला घुमा चुके हैं। आसिफा की माता बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली और अब तक की इकलौती प्रधानमंत्री रही। बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद किसी दूसरी महिला को गद्दी संभालने का मौका ही नहीं मिला। जहां अब सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रपति जरदारी आसिफा भुट्टो को देश की फर्स्ट लेडी नियुक्त करेंगे। विशेष रूप से ये पहली बार होगा कि एक बेटी फर्स्ट लेडी के रूप में काम करेगी। ये पद पारंपरिक रूप से राष्ट्रपति की पत्नी को दिया जाता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब आसिफा को ये दिया जाएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।